हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेखा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं बिना प्याज लहसुन का शाही पनीर। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, इसका टेक्सचर देखिए आप, इसकी ग्रेवी देखिए कितना यमी लग रहा है, जबकि हमने इसे बनाया है बिना प्याज लहसुन के। यदि आप भी इस तरह से शाही पनीर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस शाही पनीर के इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो इन्ग्रीडियंट्स में हमने लिया है, ये हमने 300 ग्राम पनीर लिया है जिसे हमने कट कर लिया है क्यूब्स में, और टमाटर लिए हैं 2 पके हुए बढ़िया टमाटर लिए हैं, कच्चे नहीं लेने हैं। काजू लिए हैं हमने 10 से 15, जिसे कि हमने पानी में 3 से 4 घंटे पहले भिगो लिया था। 2 चम्मच हमने दही ली है और 2 चम्मच ही हमने क्रीम ली है। क्रीम की जगह आप मलाई भी ले सकते हैं, मलाई को अच्छी तरह से फेंट ले लीजिए। ये हमने मक्खन लिया है 2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, साबुत ज़ीरा लिया है 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और कुछ खड़े मसाले लिए हैं हमने, जिसमें कि 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1/2 चक्रफूल लिया है, 10 से 15 हमने काली मिर्ची के दाने लिए हैं, 1 छोटी इलायची जिसे हमने थोड़ा सा कूट लिया है, 1 बड़ी इलायची जिसे हमने थोड़ा कूट लिया है, और 3 से 4 हमने लौंग लिए हैं। हरी मिर्ची ली है 2, और कसूरी मेथी ली है हमने 1 छोटा चम्मच, और 1 लिया है हमने तेज़पत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना प्याज लहसुन का शाही पनीर बनाना। पैन ले लिया है और पैन में डाल दिया है ऑयल, 2 से 3 चम्मच ऑयल गर्म करने के लिए डाल दिया है। और इसमें हमने और भी इंग्रेडिएंट लिए हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया है। ये हमने लिए हैं भुने हुए जो चने होते हैं, जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। यदि भुने हुए चने आपके पास नहीं है तो आप जो भुजिया होती है आलू भुजिया, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप भुना हुआ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। भुना हुआ बेसन ओनली 1/2 चम्मच या फिर 1 छोटी चम्मच यूज़ कीजिएगा। हमने लिए है 15 से 20 ये जो चने होते हैं वो, और हरी मिर्च के साथ हमने थोड़ा अदरक भी ले लिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं हम तेज़पत्ता, जीरा, और जीरे के साथ ही डालते ही जो खड़े मसाले हमने लिए थे ये, बस इसे थोड़ा सा इसमें खुशबू आने देते हैं इन मसालों की तेल के बीच, उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। तो ये सारे जो मसाले हैं भुन चुके हैं, इसमें डाल देंगे हम अदरक, हरी मिर्ची, साथ में धनिया पाउडर भी हम डाल देंगे अभी। डाल देंगे टमाटर, टमाटर के साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जो टमाटर है वो थोड़े पक जाए। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस हमें 2 मिनट तक इसे पकाना है इस मसाले को। टमाटर को ढक्कन लगाकर हमने 2 मिनट तक पका लिया है, टमाटर हमारे पक चुके हैं। गैस को बंद कर देंगे और ये जो टमाटर है, टमाटर का जो मसाला है, इसे ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेंगे, लेकिन हमें ठंडा करने के बाद ही इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे डाल देंगे हम मिक्सी में। जो तेज़पत्ता है वो हम निकाल लेंगे, उसे नहीं डालेंगे, और ये जो बचा हुआ ऑयल है ये हम इसी में ही रहने देंगे। पीसने के लिए मसाला लिया है, इसमें डाल देंगे हम ये जो भुने हुए चने हैं ये भी डाल देंगे, और हमने जो काजू भिगो कर रखे थे वो भी डाल देंगे। इसका जो काजू में थोड़ा सा पानी है ये भी डाल देंगे, क्योंकि पानी डालने से ये होगा जो मसाला है वो भी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो चलिए अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। आने के बाद हमने पैन में फिर से ऑयल डाल देना है, ये वही ऑयल है जो कि हमारे टमाटर के मसाले से बचा हुआ है, हम एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ले रहे हैं, और इसे थोड़ा सा गर्म होने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं है गर्म। इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, बाकी कसूरी मेथी हम बाद में डालेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो पर रखनी है, क्योंकि हमारी जो मिर्ची है और मसाले हैं ये नहीं तो जल जाएंगे। और इसमें डाल देना है हमने ये जो पेस्ट बनाया था, अब
बाकी का पेस्ट जो है हम पानी डालकर निकाल लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने जो लो पे किया था उसे कर देंगे मीडियम पर, क्योंकि हमें इस मसाले को पकाना भी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और नमक। ध्यान रहे नमक हमने स्टार्टिंग में भी डाला है टमाटर के साथ, इसलिए अभी हम थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इस ग्रेवी को हम पकने देते हैं ढक्कन लगाकर। गैस की फ्लेम को रखें लो मीडियम के बीच। तो 2 मिनट तक इस मसाले को पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो गई है। और इसमें साथ में डाल देंगे दही, जो हमने 2 चम्मच दही के लिए है वो। अभी ओनली हमें इसमें दही डालना है, मलाई नहीं डालना है। जो हमने मक्खन वो लिया है मलाई क्रीम, वो हम अभी नहीं यूज़ करेंगे। दही डालने के बाद हम इसे चलाते हुए पका लेंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता है, क्योंकि जब भी दही डाली जाती है तो उसके बाद इसे लगातार चलाना पड़ता है, अदरवाइज जो दही होती है वो फट जाती है। इसमें बॉयल आ चुका है, तो बॉयल आने के बाद अब हम ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ सकते हैं। अब दही फटेगी नहीं। गैस की फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम के बीच। देखिए दही भी अच्छी तरह से पक चुकी है, क्योंकि इसने शायद साइड में ऑयल रिलीज कर दिया है। तो अब डालेंगे हम इसमें क्रीम। तो क्रीम को भी मिक्स कर देंगे। क्रीम डालने के बाद फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि इसे जितना पकाएंगे उतना ही ग्रेवी में टेस्ट आएगा। ग्रेवी तो हमने 2 से 3 मिनट के लिए और पकाया है, अभी हमें इसे और पकाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिक है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद हम इसे और पकाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं पानी। आप पानी उसी हिसाब से डालिए जितना भी आपको थिक या पतला पसंद हो। तो अभी हमने इसे पकाना है, तो ग्रेवी को थोड़ा सा और थिक हो जाएगी पकाते पकाते, इसलिए हमने इसमें पानी ऐड किया। पानी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप नहीं मीठा पसंद करते हैं तो ना डालें, लेकिन शाही पनीर में थोड़ा सा मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो हमने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे बटर जो हमने लिया था। बटर का भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये हमने इसमें बटर भी डाल देना है। तो मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर फिर से इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने फाइनली इसे पकने देना है, इसके बाद और नहीं पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए या फिर 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर और मीडियम के बीच कर देते हैं। हमने इस ग्रेवी को पकाया है 5 मिनट तक। ये देखिए सारा जो ऑयल था वो रिलीज़ हो चुका है, दही का, क्रीम का। ये देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर आया, आप देख सकते हैं। जबकि हमने इसे बनाया है बिना प्याज और लहसुन के, फिर भी इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी थिक बनी है। अब इसमें डाल देंगे हम लास्ट में पनीर। आप चाहें तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा शाही पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है। इस पर लास्ट में स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो ढक्कन लगाकर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे और गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि गैस को ऑन रखेंगे तो पनीर हमारा हार्ड हो जाएगा। तो ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक इस तरह रहने देते हैं, ताकि जो पनीर है उसमें भी अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए, और उसके बाद हम इसे करेंगे सर्व। ये देखिए कितना टेस्टी शाही पनीर बना है। आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल लग ही नहीं रहा ये कोई बिना प्याज और लहसुन की ग्रेवी का है। बहुत ही टेस्टी बना है।
बहुत ही यमी बना है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए। आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी किस तरह से लगी, और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।